हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए और एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए उसके लिए नई वीडियो लेकर फिर से आ गया हूँ। तो बिना किसी देरी के मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। तो मेरे साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखते चलिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग पाएगा और मोटिवेशन एक मिल पाएगा। चलिए आज का सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। शाखाओं में कुल मर्म होते हैं, मतलब कि आज हम इस एक्सक्लूसिवली मर्मों के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन ही होता है अलग से पूरा मर्म। बहुत अच्छा एक चिकित्सा शास्त्र भी बन जाता है पूरा और क्वेश्चंस भी आने लायक इसके हैं। तो सेलेक्टिव मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो शाखाओं में कुल मर्म कितने होते हैं, बस एक इंडिकेटिव क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि यही पूछे, कुछ और भी आ सकता है यहाँ से। तो शाखाओं में कुल मर्मों की संख्या 11, 22, 44, 26। तो शाखाओं मतलब कि टोटल 4 शाखाएं हो गई हमारी। तो राइट आंसर क्या होगा, डबल कोट, शाखाओं में कुल मर्म होते हैं 44। ठीक है, क्योंकि एक शाखा में कितने मर्म होते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट, पृष्ठ में स्थित मतलब बैक साइड पे पीठ में स्थित मर्मों की कुल संख्या। तो पृष्ठ में मर्मों की कुल संख्या कितनी होती है, मर्म चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप सभी को याद होना चाहिए। 11, 12, 14, 26। तो पृष्ठ में मर्मों की संख्या कही गई है ऑप्शन नंबर सी 14। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, रटने का ये सिंपली है। निम्न में बाहु का मर्म नहीं है, तो मर्मों को याद करने का तरीका आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि बाहु में मर्म नहीं है, तो याद होना चाहिए आपको, तब आपको समझ में आ पाएगा कि बाहु में कितने मर्म होते हैं। टोटल 11, उनमें से क्या नहीं है, कक्षधर, इंद्रबस्ती, लोहिताक्ष, विटप। कक्षधर भी है, इंद्रबस्ती भी है, लोहिताक्ष भी है, विटप नहीं है। ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विटप। नेक्स्ट, तल हृदय मर्म स्थित होता है, मर्म का नाम है तल हृदय। ये तल हृदय किस प्रकार का मर्म है आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा, होता कहां पे, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, पृष्ठ, उर, उदर, पाल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, पैरों में ये तल हृदय मर्म होता है, हस्त में भी होता है, पैर में भी होता है। नेक्स्ट, मर्म जो सख्ती और बाहु दोनों स्थानों में पाया जाता है, मतलब ऐसा मर्म का नाम जो सख्ती मतलब हमारे लिम्ब्स में है, मतलब लोअर लिम्ब में है, और बाहु मतलब हमारे अपर लिम्ब में है, ऐसा कौन सा मर्म है, तो दोनों जगह मिल रहा है, क्षिप्र मर्म, विटप, कूर्पर, कक्षधर। तो कूर्पर तो नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि एलिमिनेशन में सर, सिलेक्शन में सर, ऐसे आपको सोचना है, कूर्पर तो भाई हाथ ही में रहेगा, तो ये तो दोनों जगह नहीं है। कक्षाधर, कक्षाधर भी केवल कक्षा मतलब एक जिले रीजन के आसपास है, वो भी नहीं होगा। फिर विटप, विटप, विटप तो नहीं है। आंसर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षिप्र मर्म। क्षिप्र मर्म दोनों स्थानों पर पाया जाता है, सख्ति में भी और बाहु में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, गुद मर्म किसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, मतलब गुदा को मर्म माना गया है, तो ये कहाँ पे आता है, उदर या उर में, पृष्ठ में, जत्रु में, सख्ती में। तो गुद मर्म उदर और उर के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न मर्मों को उनकी सही संख्या से सुमेलित कीजिए। मैं बहुत ज्यादा समय इसमें आपका नहीं लूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करिए और राइट आंसर सोचिएगा, सही जोड़ मिलाइए और मुझे राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैं ज्यादा माथापोड़ी इसमें आप लोग का नहीं कर रहा हूं अभी। रुजाकर मर्म में सम्मिलित नहीं है, ऐसा कौन सा मर्म है जो रुजाकर मर्म नहीं है, रुजाकर मर्मों की कुल संख्या कितनी होती है, नीचे कमेंट कीजिएगा। कूर्च सिर, जानू, मणिबंध, गुल्फ, इनमें से रुजाकर मर्म कौन सा नहीं, बाकी सभी रुजाकर मर्म है पर एक चीज रुजाकर नहीं है, वो कौन सा है, जानू। जानू को रुजाकर मर्म में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, पादस्य अंगुष्ठलियोर मध्ये डैश 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 कौन सा मर्म स्थित होता है, पादस्य अंगुष्ठलियोर मध्ये, अंगुष्ठ और अंगुली के मध्य में कौन सा मर्म स्थित होता है, तल हृदय, क्षिप्र, कूर्च सिर, विटप। बहुत इजी आंसर है, बहुत काफी बार ये पहले पूछा जा चुका है, क्षिप्र मर्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, शोणित क्षयात शक्ति शोषा, शोणित क्षय होने से शक्ति शोष मतलब कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, कौन से मर्म वृद्धि का ये लक्षण है, क्षिप्र मर्म, इंद्रबस्ती, पूर्वी, अलाप। इसका आंसर आप लोग मुझे ढूंढ कर बताइएगा। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार चैप्टर देखिएगा। नेक्स्ट, निम्न मर्म का प्रमाण एक अंगुल नहीं है, मतलब प्रमाण बोल रहा है कितना, एक अंगुल वाला अपने को देखना है और किसका एक अंगुल नहीं है इसको अपने को जवाब देना है।
उर्वी, विटप, कुरपर, कुर्चिसिर। राइट आंसर है कुरपर। ठीक है, नेक्स्ट, किस मर्म के समीप आघात से विकलता उत्पन्न होती है? किस मर्म के समीप आघात से वैकल्यता उत्पन्न होती है? कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म और विशल्यघ्न मर्म, रुजाकर मर्म। तो राइट आंसर है कि कालांतर प्राणहर मर्म और विशल्यघ्न मर्म में जब के पास जब आघात होगा तो वैकल्यता उत्पन्न हो जाती है। ये लिखा हुआ है सुश्रुत के सारे विषय में, आप देखेंगे तो आपको आंसर आसानी से दिख जाएगा इसका। नेक्स्ट, मर्म में अभिहित होते हैं, क्लासिकल क्वेश्चन है, सुश्रुत का क्वेश्चन है ये। मर्म में अभिहित होते हैं, मर्म में क्या क्या होता है? सोम, मारुत, तेज, सत्व, रज, तम, भूतात्मा, सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी। सोम, मारुत, तेज मतलब वात, पित्त, कफ, सत्व, रज, तम और भूतात्मा, सभी का अधिष्ठान होता है, इसीलिए तो इसको प्राणहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शल्य विषयार्ध किसे कहा जाता है? जैसे कि एक वर्ड अपने को और देखने मिलता है जिसको हम बोलते हैं चिकित्सार्ध। चिकित्सार्ध किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। शल्य विषयार्ध किसे कहते हैं, यहां मैं इसका आंसर आप लोग को बतला रहा हूं। रक्त मोक्षण, सिरा का और मर्म को, या फिर सिरा धमनी स्रोत, सभी को। तो शल्य का विषय मतलब अगर आप इसको जानगे तो आधा शल्य जानगे, ऐसा बोल रहे हैं। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मर्म। मतलब मर्मों के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आधा सर्जरी आप समझ गए, क्योंकि किनको बचाते हुए आपको शल्य करना है आपको आसानी से पता रहेगा फिर। नेक्स्ट, किन मर्मों पर आघात करने से निश्चित रूप से धातु क्षय होता है? मतलब इस मर्म पर आघात होगा तो धातु क्षय होगा ही होगा। सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर, विशल्यघ्न। इसका राइट आंसर है कालांतर प्राणहर मर्म। ये सिंपल क्वेश्चन है, रटेंगे तभी इसको आंसर निकल पाएगा, इसमें और कुछ लॉजिक वाली बात यहाँ पे नहीं है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आप सभी के लिए। होपफुली मर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एक्साइटेड लगे होंगे और काफ़ी कुछ आप लोग को जानने और समझने लायक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। और डिटेल आपको मर्मों के बारे में जानना होगा तो सुश्रुत के शारीरिक स्थान का चैप्टर नंबर 6 एक बार आप खुद से अवलोकन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। किसी भी प्रकार का सजेशन हो तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा, प्रॉपरली आप लोग की हेल्प करने का प्रयास करूंगा। और इसी प्रकार की वीडियोज देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।